लहरपुर नगर के मोहल्ला ठठेरी टोला स्थित कांजी हाउस के भवन में पालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर एक गौशाला की स्थापना की। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने गौशाला का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध पटेल सहित कई सभासद व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने कहा कि सर्दी के मौसम को देखते हुए शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह गौशाला शुरू की गई है। इससे नगर वासियों को आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी और पशुओं को भी आश्रय मिलेगा। अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध पटेल ने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा एक भव्य गौशाला शुरू करना प्रस्तावित है। जब तक उसकी व्यवस्था हो रही है तब तक इस गौशाला से आवारा पशुओं को राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सभासद मोहम्मद शुएब कुरैशी, रहमत अली अंसारी, समीर राइन, आशीष मिश्रा, जेड आर रहमानी, रघुवंश अवस्थी, नीरज गौड़, अनवर बिस्वानी, जगदीश, निशार अहमद, मुजफ्फर अली सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के भतपर चौराहे पर एब्जा पार्टी के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा का इलाके के पत्रकारों ने फूल मालाओं से लाद कर किया जोरदार स्वागत। बताते चले कि एब्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा और अनुराग सारथी के द्वारा हमेशा से ही पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ना, पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरोध में खड़े होकर मदद करना जनपद सीतापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान बना रखी है, जिसके चलते अनुराग सारथी और रविंद्र मिश्रा का काफिला जहां भी पहुंचता है वहां पर पत्रकारों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। मामला तहसील क्षेत्र के भतपर चौराहे का है। एब्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा और अनुराग सारथी का स्थानीय पत्रकारों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रविंद्र मिश्रा जिंदाबाद और अनुराग सारथी जिंदाबाद के पत्रकारों ने नारे भी लगाए, साथ ही पत्रकारों ने फूल मालाओं से लाद कर जोरदार उनका स्वागत किया। मौजूद पत्रकारों ने स्वागत के बाद सेल्फी भी खूब खींची। इस मौके पर पत्रकार रमाकांत शुक्ला, अनिल वर्मा, अमित शुक्ला, मान सिंह, जीत त्रिवेदी, कल्लू शुक्ला सहित भारी संख्या में पत्रकार व लोग मौजूद रहे।